हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने टेंथ क्लास की साइंस पढ़ने की शुरुआत करेंगे चैप्टर वन से, और चैप्टर वन से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम लोग लास्ट चैप्टर तक जाएंगे। हमारे चैप्टर वन है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। पाठ पर आगे बढ़ने से पहले हम लोग इन टर्म्स को जाने, व्हाट आर फिजिकल चेंजेस एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिस चेंज में, जिस सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, जिस मैटर में चेंज हो रहा है, उस मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। पहली चीज कि वो सब्सटेंस के, उस मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज से पहले उस मैटर या सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन था, आफ्टर चेंज, चेंज के बाद भी उस मैटर का, उस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन वही रहता है। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में, सॉलिडिफाई किया, आइस हो गया, यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया, इसी वाटर को हीट अप किया तो ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, जो कि इसका गैसियस स्टेट है। अब वाटर चाहे वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में आइस के फॉर्म में है, या फिर गैसियस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में है, तो वो H2O ही ना, दो पार्ट हाइड्रोजन और एक पार्ट ऑक्सीजन से मिलकर बना है। यहां जो इसका केमिकल कंपोजिशन था वही केमिकल कंपोजिशन यहां है, वही केमिकल कंपोजिशन यहां है। जब उल्टा जाएंगे, उसको आइस को मेल्ट करेंगे, वाटर बनेगा, तब भी केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। जब हम लोग इस गैस को कंडेंस करेंगे और आफ्टर कंडेंसेशन जब ये लिक्विड स्टेट में पहुंचेगा, तब भी उसका केमिकल कंपोजिशन वही रहेगा। यानी कि वाटर चाहे आपने सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में, हर स्टेट में उसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में। नेक्स्ट थिंग है कि फिजिकल चेंज में उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज होती है। केमिकल प्रॉपर्टी उस मैटर की या उस सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज नहीं होती है। जो पहले उसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी, अब भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वही है, और बाद में भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी वही रहेगी। केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होने वाली है। जो केमिकल प्रॉपर्टी लिक्विड वाटर की है, वही केमिकल प्रॉपर्टी आइस की है, और वही केमिकल प्रॉपर्टी वाटर वेपर की होती है। एंड नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जो पुराना सब्सटेंस था वही रह जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास पेपर है, कागज है एक, और उस कागज को हम लोग टियर अप करते हैं, इसको ले आए आपके लिए एक पेपर, एक बच्चे से छीन कर, ये पेपर है, अभी ये पेपर ही है ना, अब क्या है, कुछ और हो गया कि अभी भी पेपर है ये, यह भी पेपर, यह भी पेपर, और अब क्या है, ये टुकड़ा भी पेपर, ये टुकड़ा भी पेपर, ये टुकड़ा भी पेपर, ये टुकड़ा भी पेपर,
इसको चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम फाड़ दें, इसका हर एक जो छोटा टुकड़ा है वो पेपर ही है या कुछ और है, पेपर ही है। यानी कि कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। एक लकड़ी ले लें आप, उसको कितना भी छोटा से छोटा टुकड़ा में काटते चले जाएं, उसका हर टुकड़ा लकड़ी था, लकड़ी ही रहेगा। पहले भी लकड़ी था, बाद में भी लकड़ी रहेगा। यहां तक उसमें से पाउडर जैसा जो निकलेगा लकड़ी का भूसा, वो भी लकड़ी ही रहेगा। लोहे को आप काट दें, पीट दें, पीट पीट के चादर बना लें, खींच खींच के लंबा लंबा पतला तार जैसा बना लें, या उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, या आग से चीर के नीचे से जो बुरादा निकलता है लोहे का बुरादा, वो चूंड ले लें। अरे है तो वो लोहा ही, कभी वो सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, वो जो पहले था वही रहता है। तो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, केमिकल प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स द सेम। ऐसे चेंजेस को हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। चेंज तो होता है, कागज को हमने फाड़ा तो चेंज ही हुआ, पहले जितना बड़ा कागज था अब तो उतना बड़ा नहीं रहा। लकड़ी को काटा तो पहले जितना बड़ा लकड़ी था अब तो नहीं रहा। लोहे को काटा तो पहले जैसा था अब तो नहीं रहा। चेंज करने पर उस मैटर का सब्सटेंस का शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, और भी चीजें उसकी चेंज हो रही हैं। यानी कि चेंज तो हो रहा है, बट उस चेंज में भी क्या चेंज नहीं हो रहा है, वो है वो सब्सटेंस या मैटर का केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल प्रॉपर्टी, और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो इस तरह के चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंजेस। अब देखते हैं वाटर केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस में क्या हो जाएगा। अगर केमिकल चेंज किसी सब्सटेंस में, किसी ऑब्जेक्ट में, किसी मैटर में होता है, तो उस मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब हम इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है मिल्क, मिल्क। अब इस मिल्क को चेंज कर दिया गया कर्ड में, चेंज तो यहां भी हुआ। अब चेंज होते ही मिल्क को कर्ड में बदलते, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, आपने पढ़ा तो होगा, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, इसका अर्थ है मिल्क के अंदर सभी के सभी सेवन जो हमारे नेसेसरी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें हैं, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, रफेज भी है, वाटर भी है। सभी के सभी सेवन न्यूट्रिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। मिनरल्स में भी कई तरह के मिनरल्स हैं, विटामिन्स में भी उसमें कई तरह के विटामिन्स हैं, हैं उसके अंदर हैं, वो कंप्लीट फूड है। बट जैसे वो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड इज नॉट ए कंप्लीट फूड, कर्ड एक कंप्लीट फूड नहीं है, मिल्क कंप्लीट फूड है। एक न्यूबॉर्न बेबी को सिर्फ मिल्क पे फीड करके, दूध पिला पिला करके उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट, ऑलराउंड ग्रोथ करवा लेते हैं और हो जाएगा। बट क्या न्यूबॉर्न बेबी को दही खिला खिला करके आप पाल सकते हैं, उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स था ही नहीं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कर्ड में वो सेवन के सेवन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कुछ न्यूट्रिएंट्स उसमें कम हो गए। कैसे कम हो गए? केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ तभी तो चेंज हो गए ना। यानी कि यहां पर केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जहां मिल्क की प्रॉपर्टी
कहते ना दूध गर्म होता है और दही कड़ ठंडा होता है। ज्यादा दही खाएं सर्दी खांसी स्टार्ट, यानी कि जहां इससे ठंडक हो रही है यहां उससे गर्मी हो रही थी। दूध गर्म होता है, दही ठंडा होता है, दही खाने से सर्दी खांसी हो जाती है, जिसको सर्दी खांसी उसको बोलते दही मत खाओ, है ना चेंजेस। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। देन नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे थे उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में, यहां हो जाएगा न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। न्यू सब्सटेंसेस यहां पर फॉर्म होते हैं, पहले वो मिल्क था अब वो कर्ड हो गया, एक नया चीज बन गया। तो ये जो फॉर्मेशन हुआ ये क्या हो गया, यहां पर केमिकल चेंजेस हो गया। तो एक बार क्विक रिवीजन, फिजिकल चेंजेस वो हैं जिस चेंज में मैटर या सब्सटेंस जिसमें चेंज हो रहा है उस मैटर या सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है और कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। जबकि फिजिकल चेंज वो चेंज है जिस चेंज में जिस मैटर या सब्सटेंस में केमिकल चेंजेज हो जाता है उस मैटर या सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। एंड वेयर केमिकल चेंजेज अकर वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जहां केमिकल चेंज होता है हम कहते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। जहां आपको केमिकल चेंज के बारे में समझ में आया, केमिकल रिएक्शन भी समझ में आया। वेन एवर एंड वेर एवर केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। जब भी और जहां कहीं भी ये केमिकल चेंज होता है हम कहते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। वेरी सिंपल। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि हम कैसे समझेंगे कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो अगर हम इस बेसिस पर बात करें, अगर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसके कंपोजिशन को, तो हम देख लें कि पहले जो सब्सटेंस था बिफोर चेंज ये है एक सब्सटेंस, इसी का चेंज होकर के ये सब्सटेंस हमको मिला। तो अब इस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या है और इस सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है तो हम कहेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ है। अगर दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, इसका कुछ और केमिकल कंपोजिशन था, इसका कुछ और केमिकल कंपोजिशन था, कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरे चीज, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है तो हम कहेंगे कि यहां पर फिजिकल चेंज हुआ है। अगर केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है तो हम कहेंगे कि केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरे चीज, ये जो सब्सटेंस था वही सब्सटेंस आफ्टर चेंज भी रह गया, यानी कि कागज था कागज ही रह गया, लकड़ी था लकड़ी ही रह गया, लोहा था लोहा ही रह गया, सेम थिंग रह गया, तो हम कहेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ है। लेकिन पहले जो सब्सटेंस था वो नहीं रहा, एक नया सब्सटेंस मिल गया, तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है और यहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। एक तो तरीका ये है जानने के लिए। दूसरा तरीका है कि जहां कहीं भी चेंज हो रहा है अगर वहां पर इनमें से कुछ भी इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है, यहां पर 5 इंडिकेशंस मैंने लिखे हैं, 5 में से कोई भी इंडिकेशन देखने के लिए मिलता है तो हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। क्या क्या इंडिकेशन हमको मिल सकता है? चेंज इन स्टेट, मैटर का स्टेट चेंज हो गया हो, ये तो हमको इजीली दिखाई देगा कि भाई ये पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया गैस हो गया, पहले लिक्विड था अब सॉलिड या गैस हो गया,
पहले गैस था, अब लिक्विड है, सॉलिड हो गया, चेंज इन स्टेट, वो तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेंज इन कलर, पहले इसका कलर जी वो येलो था, अब ये वाइट हो गया, ग्रीन हो गया, वाइट था येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया। चेंज इन कलर, चेंज इन ऑर्डर, उसमें से जो गंध निकल रही है, पहले उसमें से गंध नहीं निकलती थी, अब गंध निकल रही है, या पहले उसमें से गंध निकलती थी, अब गंध निकलनी बंद हो गई है, पहले उसमें से कुछ और गंध निकलती थी, अब कुछ और गंध निकल रही है, ऑर्डर चेंज हो गया, यह भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, पहले जितना टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर घट गया है, या पहले जितना टेम्परेचर था उससे टेम्परेचर बढ़ गया है, इसको भी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज के दौरान इसमें से तो कोई ना कोई एक गैस निकल रही है जी, ये एक इंडिकेशन है, यानी कि या तो स्टेट में चेंज हमको दिख रहा है, कलर में चेंज दिख रहा है, ऑर्डर में चेंज दिख रहा है, टेम्परेचर में चेंज हमको दिख रहा है, या वहां से किसी गैस के इवोल्यूशन का पता चल रहा है, इनमें से कोई भी इंडिकेशन मिल रहा है, या मोर देन वन इंडिकेशन मिल रहा है, या वन इंडिकेशन मिल रहा है, हम कहेंगे कि वहां पर केमिकल चेंज हो रहा है, यानी कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये हैं इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनसे हमको पता चल जाता कि कहीं पर केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। आइए इस बात को अब हम कुछ एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आपके पाठ की भी शुरुआत इन्हीं क्वेश्चन से हुई थी कि व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, अगर गर्मियों में रूम के टेम्परेचर को दूध को छोड़ देंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है दूध फट जाएगा, आप ही कहते हैं ना दूध फट गया, मिल्क है सावर्ड, फट गया तो क्या हो गया? मिल्क जब था तब वो क्लोराइड सॉल्यूशन था, नाइन्थ क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा, पहले वो क्लोराइड सॉल्यूशन था, अब वो सस्पेंशन बन गया, फटने के बाद वो सस्पेंशन हो गया, फटने से पहले वो क्लोराइड सॉल्यूशन था, यानी कि फटने से पहले आप उसको फिल्टर कर नहीं सकते थे, फिल्टर करके उसको कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर सकते थे, दूध फट गया है, सावट हो गया है, तो आप उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते, आप फिल्टर करके देखिए, आपके पास फिल्टर नहीं है, कपड़ा से छान कर देखिए, पतले सूती कपड़े से या किसी कपड़े से छान कर देखिए, पानी जैसा कोई चीज नीचे वाले बर्तन में जा रहा है और कपड़े के ऊपर, या अगर आपने फिल्टर लिया है, छन्नी लिया है, तो उसके ऊपर एक अलग कंपोनेंट आ जा रहा है, वही पहले फिल्टर नहीं हो रहा था, चेंज हो गया ना, यानी कि वहां पर उसका कंपोजिशन चेंज हो गया, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गया, एक न्यू सब्सटेंसी फॉर्म हो गया जी, आप महक कर देखेंगे तो उसका ऑर्डर चेंज हुआ मिलेगा, पहले दूध का ऑर्डर कुछ और था, अब फटने के बाद उसका ऑर्डर कुछ और हो जाएगा। इससे पता चलता है कि यहां पर एक केमिकल चेंज हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया, तभी दूध आपका फट गया, है ना, यानी कि सब्सटेंस का नेचर चेंज हो गया, उसका आइडेंटिटी चेंज हो गई। व्हाट हैपेंस व्हेन एन आयरन तवा और पैन और नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, अगर आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में एक लोहे के तवा को या पैन को या नेल यानी कि कांटी को छोड़ देते हैं तो क्या होता है? अरे उसके ऊपर जंग लग जाती है, इट गेट्स कोरोडेड, इट गेट्स रस्टेड, उसका कोरोजन हो जाता है, उसकी रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है, और जब उसकी रस्टिंग हो जाती है, कोरोजन लग जाता है, जंग लग जाता है, तो आप क्या देखते हैं? उसका कलर चेंज हो गया है, पहले लोहे का कलर कुछ और था, अब उसका कलर कुछ और हो गया, चाहे वो लोहे का तवा हो, पैन हो या फिर नेल हो, उसका कलर चेंज हो चुका है,
यानी कि एक बार फिर से उसका नेचर और आइडेंटिटी दोनों का दोनों चेंज हो चुका है, यानी कि यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ है, यानी कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। What happens? Grapes get fermented. क्या होता है जब अंगूर का फर्मेंटेशन हो जाता है? जब अंगूर था उसका ऑर्डर कुछ और था, सूंघ के देखे थे कुछ और था, अब फर्मेंटेशन के बाद जब आप सूंघ कर देखते हैं तब उसका ऑर्डर कुछ और रहता है, गंध कुछ और रहता है, ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। और ऑर्डर चेंज क्या बता रहा है? कि वहां पर केमिकल चेंज हुआ है, और जहां केमिकल चेंज होता है वहां पर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुआ है। फूड इज कुक्ड, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड इज कुक्ड? क्या होता है जब भोजन को पकाया जाता है? यहां भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप चावल और पानी डालते हैं बर्तन में, बाद में वो भात हो जाता है, बॉइल्ड राइस। पहले जो राइस लिए तो उसमें और बॉइल्ड राइस में डिफरेंस होता नहीं होता? बहुत सारे डिफरेंसेस होता है ना। आप दाल और पानी रखते हैं कुकर में, पकने के बाद जो दाल बनती है उस दाल में और पकने के पहले के दाल में अंतर होता नहीं होता? आप पहले जो सब्जी रखते हैं और कुक होने के बाद जो सब्जी बनती है दोनों में अंतर होता नहीं होता है? यानी कि कोई भी सब्सटेंस जैसा बिफोर कुकिंग था वैसा आफ्टर कुकिंग नहीं होता, एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ऑर्डर गंध भी चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज होता है, स्टेट भी चेंज होता है। इतने सारे चेंजेस जहां आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और उसमें से इवोल्यूशन ऑफ गैस भी तो होता है। जब आप फूड को कुक होता है आपके किचन में तो उसमें से कोई ना गैस गैस तो रिवॉल्व होती है ना, निकलती है ना, वही गैस तो हवा में मिक्स होकर उसी के पार्टिकल्स आपके नाक तक पहुंचते हैं, तो आप सूंघ लेते हैं, अच्छा हाँ आज मम्मी लग रहा है कुछ खास बना रही है। इवोल्यूशन हुआ ना, तो ये सारी चीजें देखने के लिए आपको मिल रहा है, यानी कि यहां भी केमिकल चेंज हुआ, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो हमको देखने के लिए क्या मिला कि जो फूड पहले इजीली डाइजेस्ट नहीं था, इजी टू ईट नहीं था, अब इजी टू ईट होगा, इजी टू डाइजेस्ट हो गया, यानी कि उसका नेचर आइडेंटिटी चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंस व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी? क्या होता है जब भोजन हमारे शरीर में पचता है? हमारे डाइट में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स है, आफ्टर डाइजेशन वो ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। हमारे डाइट में फैट्स है, वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। हमारे डाइट में प्रोटीन है, वो एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। यानी कि पहले सब्सटेंस कुछ और था, पहले कार्बोहाइड्रेट था, अब वो ग्लूकोज हो गया, पहले वो फैट्स था, अब वो फैटी एसिड से ग्लिसरॉल हो गया, पहले वो प्रोटीन था, अब वो एमिनो एसिड हो गया। डायरेक्टली न्यू सब्सटेंसेस चेंज हो गए, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो गए, यानी कि वहां पर केमिकल चेंज हो गया, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो गया। एक बार फिर से वही बात आ रही है कि यहां पर नेचर आइडेंटिटी चेंज हुई, और नेचर आइडेंटिटी चेंज होते ही ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज है तो वो केमिकल रिएक्शन हुआ। एंड एक और क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी रेस्पायर? क्या होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव जो फूड जूस है उससे एनर्जी रिलीज होती है। जिस एनर्जी को हमारा सेल उस समय अगर जरूरत होती है तो तत्काल खर्च करता है, नहीं जरूरत होती है जो बच जाती है उस समय खर्च नहीं हो पाती, उसको एटीपी के फॉर्म में अपने सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर कर लेता है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है। हीट एनर्जी भी रिलीज होती है, हमारा बॉडी वार्म अप होता है, टेम्परेचर में चेंज होता है, वर्क करने के लिए एनर्जी मिलती है,
एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होकर के गया था वो ऑक्सीजन वहाँ डाइजेस्टिव फूड के साथ रिएक्ट करके एनर्जी रिलीज करता है और साथ में एक गैस रिलीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि इस तरह से कह सकते एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट क्रिएट हो गया। जबकि बिफोर चेंज क्या था, डाइजेस्टिव फूड जूस और ऑक्सीजन, यही सेल के साइटोप्लाज्म में रिएक्ट किए दो चीज़ें, डाइजेस्टिव फूड जूस और ऑक्सीजन। निकला रिजल्ट में क्या क्या, एनर्जी, नाइट्रोजनियस वेस्ट, राइज इन टेम्परेचर यानी किट एनर्जी रिलीज हुई एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, डिफरेंट थिंग्स, सब्सटेंस चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। यानी कि एक तरीके से पहले जो मैटर की नेचर और आइडेंटिटी थी अब वो नहीं रही, यहाँ पर केमिकल चेंज हुआ यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ। तो इन सभी केसेस में केमिकल चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर नेचर और आइडेंटिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होगा। अभी क्या कहा था थोड़ी देर पहले आपको, वेयर देयर इज अ केमिकल चेंज अकर्स वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ टर्मिनेट करते हैं। इसी चीज़ को समझाने के लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ पर चर्चा करें।